सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 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 ऐसे ही दैट इज ए नंबर फाइव जीरो वन एकदम मस्त ध्यान देना अभी ऐसे फाइव हंड्रेड एकदम सिंपल छोटू सा स्टैंडर्ड था मजा आ गया पढ़ने में एक बार क्विकली रिकैप करते ऐसे फाइव हंड्रेड में क्या क्या पड़ा भैया हमको एविडेंस क्या है इंफॉर्मेशन वो कैसा होना चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट जब हम लोग वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेवेंट सॉरी हाँ रिलेवेंट एंड रिलायबल नंबर एक्सपर्ट से हम लोग को देखना है कि वो उस असर्शन जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उससे वो सूट होता है या नहीं फिर उसके बाद अगर वो खुद से जनरेट करे हुए हैं तो उसका कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देखना है बराबर और वो सफिशेंट इंफॉर्मेशन देना चाहिए उसके बाद अगर

अब यहां पे हम लोग बात कर रहे स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स ध्यान से सुनना पांच सौ जो था ना फर्स्ट अभी जो पड़ा वो सबके लिए था मतलब तुम कोई भी एरिया चेक कर लो कुछ भी चेक कर लो तो उसके लिए आपको फाइव हंड्रेड लगाना है बट अब यहां पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन हम लोग को ध्यान में रखने हैं फॉर सम सिलेक्टेड आइटम्स बेसिकली यहां पे तीन आइटम्स होंगे तीन आइटम्स कौन से कौन से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट इन्वेंट्री किसके बारे में बात करेंगे इन्वेंट्री की सेकंड फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स की ठीक है लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन किसके बारे में बात करेंगे सेगमेंट इंफॉर्मेशन सो so, पे सिलेक्टेड आइटम्स कौन से कौन से सो so, तीन सिलेक्टेड आइटम्स है नंबर वन इन्वेंट्री नंबर टू बोलो नंबर टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स नंबर थ्री सेगमेंट इंफॉर्मेशन सो यहां पे हम लोग इन तीन आइटम्स के बारे में बातचीत करेंगे राइट चलिए सो फोकस करते हैं आगे सो ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स स्कोप ऑफ दिस एसे क्या लिखा हुआ है? दिस एसे डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन खास कहां पे ध्यान देना है किसने ऑडिटर ने इन ऑप्टेनिंग इन ऑप्टेनिंग सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेरी गुड सर क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है एसे 500 में कि अपने को एविडेंस कैसा चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑबियस so, बात है आगे चल के कोई भी एविडेंस हम लोग लिखे तो सफिशियंट एंड्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस आना बनता है एग्जाम में जब भी आप आंसर भी लिखो सो जस्ट डोंट राइट ऑडिटर शुड ऑप्टेन ऑडिट एविडेंस यू वॉट यू हैव टू राइट ऑडिटर शुड ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस वो आपके आंसर में वजन एड करेगा आई बात समझ में येस yes? सो so, अब यहां पे वो क्या कहता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ कौन से कौन से एस्पेक्ट्स है inventory लिटिगेशन एंड क्लेम्स सेगमेंट information आई बात समझ में तो यहां पे सिलेक्टेड आइटम्स कौन से-कौन से हो गए? इन्वेंट्री लिटिगेशन एंड क्लेम्स सेगमेंट इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों ध्यान में रखना ये आपके लिए फिर एमसीक्यू बनेगा ये आपके लिए एमसीक्यू बनेगा कि भैया एस नंबर 501 किसके बारे में बात करता है ऑप्शन ए इन्वेंट्री ऑप्शन बी लिटिगेशन एंड क्लेम्स ऑप्शन सी सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एक अलग बात होगी इसके अंदर वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दॉर एस एफ जीरो चार ऑप्शन देंगे उसमें के तीन ये चौथा कोई और एरिया होगा फिक्स एसेट्स बोल देंगे वो इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे इन्वेंट्री तो होगा मालूम है अपने को बट कंफ्यूज करने के लिए फिक्स एसेट्स बोल देंगे बराबर के नहीं सो so, ऐसे कुछ आपको कंफ्यूजन करके आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड आई बात समझ में सो so, इसीलिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं एज पर एस एफ फाइव वन यू टॉक ओनली अबाउट थ्री थिंग्स सो ऑप्शन कैन बी ऑल ऑफ दी दबाओ के नन ऑफ दी नबाउ के ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए या स्पेसिफिकली एक पिक करने के लिए कि विच स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट मतलब एस एफ आई जीरो बारे में बात करता है आई बात समझ में सो इट कैन भी आपको बोलेंगे फिक्स एसेट डेटर्स इन्वेंट्री एंड उसके बाद लोन्स ऐसे आपको बोलेंगे सो so क्या होगा उसके अंदर आपको आपको स्पेसिफिकली इन्वेंट्री सिलेक्ट करना है आई बात समझ में राइट right. सो so ये आपने लिए बहुत क्रूशल था एक नंबर का एमसीक्यू फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इस ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखना है सबसे पहले हम लोग को फोकस क्या करना है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखो पहले एक एक चीज है फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं इन्वेंट्री यस लिटिगेशन एंड क्लेम यस सेगमेंट इंफॉर्मेशन यस परफेक्ट है इसके बारे में बात करता है यही आइटम्स है सिलेक्टेड इसी के बारे में तो पढ़ना है अपने को करेक्ट है ना सो so, अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे इन्वेंट्री के बारे में हम लोग को देखना है एकदम ध्यान से पढ़ना यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि स्पेसिफिकली कहां पे फोकस करना है अभी एक तो वो इन्वेंट्री है क्या सिर्फ होना जरूरी नहीं है उसका कंडीशन भी बराबर होना चाहिए सो व्हाट डू यू फोकस अपॉन द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री आई बात मतलब इन्वेंट्री में क्या देखना है सर व्हाट स्पेसिफिकली डू वी नीड टू लुक इन टू इन्वेंट्री सो वो कहता है यू नीड टू लुक द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री नीड टू चेक दंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री दो बातें आपको देखनी है बोलो कंडीशन मतलब कि वो किस स्टेट में रखा गया फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे पास इन्वेंट्री है बराबर मतलब मैंने क्या चेक कर लिया येस सर द इन्वेंट्री इज वॉट इन एग्जिस्टेंस बट इन वॉट स्टेट इट इज इन वॉट कंडीशन इट इज मतलब अगर मैं कहता हूं कि बाबा मेरे पास बुक्स है बट वो बुक्स क्या है फट गई है बराबर या इट इज इन पूरा मतलब वो हो गई है बुक्स पानी में भीग गई है बुक्स तो अब वैसी इन्वेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा है क्या ऑडिटर जाएगा चेक करेगा हा इंटेंट्री है एग्जिस्टेंस है बट उसका जो स्टेट है उसका जो कंडीशन है बराबर की नहीं किस तरीके से उसको रखा हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना बराबर तो वो कंडीशन देखेंगे मतलब अगर वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है वो अपन सेलेबल गुड कंडी

जो भी आपके अगेंस्ट केस चालू है बराबर तो वो केस के बारे में आपने पूरी तरीके से डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है कंप्लीट है क्या नहीं वो फोकस करना है और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की रिक्वायरमेंट है सेगमेंट इंफॉर्मेशन तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपने बराबर से प्रेजेंट किया है ना वो आपने बराबर से डिस्क्लोज किया है ना इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक उस एरिया में आपको कुछ स्पेसिफिकली अलग देखना है सो दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट इज द स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या देखोगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन हाँ आप समझ में आ रहा है आपको स्पेसिफिकेशन वर्ड क्योंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या देखोगे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन में उसका कंप्लीटनेस स्पेसिफिकली हम लोग सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए क्या देखेंगे उसका प्रेजेंटेशन एंड उसका डिस्कलोजर आई बात समझ में आपको वेरी गुड सो लेटस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड अब यह स्टैंडर्ड तीन हिस्सों में बटा जाएगा वो कौन से तीन हिस्से होंगे इन्वेंट्री ऑब्वियसली फिर उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स वेरी गुड एंड देन अरे सेगमेंट इंफॉर्मेशन हा ये रहा सेगमेंट इंफॉर्मेशन करेक्ट है यस बोलो आऊंगा अभी जो जो एक एक मतलब है ना सर इन्वेंट्री का मतलब क्या वो भी बता दूंगा लिटिगेशन क्लेम का मतलब क्या है वो भी बता दूंगा सेगमेंट इंफॉर्मेशन का भी मतलब बता दूंगा डोंट वरी एट ऑल कंप्लीटनेस मतलब जितने भी केसेस वो एक एक चीज जब डिस्कस करेंगे आ ही जाएगा वो बट फिर भी आप समझना है कंप्लीटनेस का मतलब कि जो भी लिटिगेशन है जो भी केस चालू है उनके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट पूरी ऑल सारी इंफॉर्मेशन वो दी है क्या नहीं दी है वो अपने को देखना है उसका मतलब होता है कंप्लीटनेस करेक्ट एकदम यस सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेंट्री के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस बहुत मजा आ रहा है ये स्टैंडर्ड पढ़ने में वेरी इंटरेस्टिंग इट इज राइट बहुत भारी है ये इन्वेंट्री चलिए बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर मजा आएगा पढ़ने के लिए सबसे पहले पहले समझेंगे इसको फिर इसका एक सिंपल चार्ट बना लेंगे फिर इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो दिन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाओ ऑसम मालूम है अभी मैं बार बार अभी उसको अंडरलाइन हाईलाइट करना है क्या अपने को? नहीं। अब के अंदर फिट हो चुका है कि एवरी नाउ एंड देन वी नीड टू ऑपटेन वॉट सफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट अब जबरदस्ती उसको बार बार अंडरलाइन मत करना द ऑडिटर शैल दफिशियंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री मालूम है यही तो ऊपर पड़ा था ऑब्जेक्टिव में तो यही तो रिक्वायरमेंट अचीव करेंगे राइट right. बट अब यहां से आगे चर्चा होती है हाउ ही विल डू दिस कैसे करेगा यह सवाल है अब पहले तो आपको एग्जिस्टेंस और कंडीशन का मतलब क्या है मालूम पड़ गया ना आपको एग्जिस्टेंस मतलब वो एसेट है या नहीं है कंडीशन मतलब वो किस स्टेट में रखा गया है? और और सो आपको ये वेरिफिकेशन करना है आप ये कैसे करेंगे आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट पॉइंट एकदम आराम से हा? एकदम मन सबसे पहले अगर एग्जिस्टेंस देखना है तो हमें वहां मौजूद होना चाहिए अभी एकदम स्टेप बाय चलने का एकदम अच्छे से स्टैंडर्ड बहुत सिंपल करेंगे अपन राइट बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना सो क्या कहते हैं अपन यहां पे अटेंडेंस अगर भैया एग्जिस्टेंस देखना है लॉजिकली स्ट्राइक होना चाहिए एग्जिस्टेंस कैसे देखेंगे घर बैठे तो देख नहीं सकता ऑफिस में बैठ के देख नहीं सकता बराबर बोलना मत सर सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे चुप बैठो ठीक है so, सो यहाँ पे हम लोग को जाना होगा मौजूद होना होगा अटेंड करना होगा किसको फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग को मैनेजमेंट के लोग फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करेंगे रीजनेबल इंटरवल्स पे हम क्या करेंगे वहां जाएंगे देखेंगे बराबर से हो रहा क्या नहीं हो रहा जितनी इन्वेंट्री उन्होंने लिखी है उतनी इन्वेंट्री है या नहीं है हम लोग चेक करेंगे बट आगे लिखा हुआ है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे क्या होगा अनलेस impracticable देखेंगे क्या कहते हैं बट बच्चों बेसिक अपने को समझ में आ गया क्या है कि हमें अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है अगर मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है तो मुझे वहां पे मौजूद होना चाहिए अनलेस इट इज वॉट इम्प्रैक्टिकेबल बराबर के नहीं Impracticable. मुझे जमेगा ही नहीं नहीं जमेगा तो बात की बात है देख लेंगे बट पहले जमेगा तो भैया जाओ और अब यहां पे सवाल आता है ओ सर जाके करूंगा क्या मैं अटेंड कर लूंगा जाके करूंगा क्या थोड़ा इसको स्टोरी के हिसाब से बनाना बस एक रूटीन बना लेना ये काम करना है करके तो इसको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फील करना है इस चीज को ठीक है सो हमको इन्वेंट्री में क्या चेक करना है भैया एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन देखना है एग्जिस्टेंस देखने के लिए जाना पड़ेगा चले जाएंगे जाके क्या करोगे आओ पढ़ते सिंपल, फिर यहां पे हम लोग क्या देखेंगे मैनेजमेंट के लोग इन्वेंट्री वेरिफिकेशन काउंटिंग चालू है सो हमें क्या देखना है जो इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर जो इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर किसके लिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए फिर उसे कंट्रोल करने के लिए बराबर कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग सो रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग बराबर ऑफ वॉट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ठीक है ना इसको मैं एक काम करता हूं रिजल्ट को अभी रेड बॉक्स में डालता हूं जरा ध्यान से देखना रिजल्ट और फिर अब एंटिटीज़ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बराबर अब जरा ध्यान से देखना अब ऐसा सिंपल करेंगे ना कॉन्सेप्ट बहुत मजा आएगा जो ब्लू में अंडरलाइन करा हुआ है ना जरा उसके ऊपर गौर फरमाना मेरे को क्या करना है अटेंड करना है और फिर क्या चेक करना है जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर दिए थे किसके लिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए ब्लू वाला पार्टशिप पढ़ना है मेरे को क्या करना है कि जो भी मैनेजमेंट ने बोलो बच्चों, जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो प्रोसीजर्स उनके लोगों ने फॉलो किया है। मतलब क्या हुआ कैसे हुआ मैं बताता हूं आपको आओ जरा इधर ध्यान दो मतलब कैसा हुआ ना कि जरा ध्यान से देखना एकदम अच्छे बच्चों जैसे ये क्या हुआ बॉक्स बॉक्स नहीं हुआ ये मान लो गोडाउन है क्या ये गोडाउन है? है अब इस गोडाउन के अंदर अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अभी मत लिखना कुछ इस गोडाउन के अंदर अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है बराबर इस इन्वेंट्री का अपने को दो बातें देखनी है क्या देखना है एक तो वो इन्वेंट्री है क्या और अगर है तो किस तरीके से है सही बात है सो so, ये अपने को चेक करना है ठीक है सर वेरी गुड अच्छे से लिखते हैं इसको जरा सो फर्स्ट वी चेक एग्जिस्टेंस सेकेंड वी चेक इज कंडीशन, राइट ओके फिर उसके बाद क्या होगा ये मुझे चेक करना है इन्वेंट्री एस एफ फाइव जीरो वन फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है ठीक है जी यस yes, सर उसके बाद क्या होगा यहां पे एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए बराबर ऑडिटर को आना पड़ेगा बराबर ना भागते आएगा ऑडिटर देखो आएगा नहीं आए बुलाया उसको आ जाओ ऑडिटर आएगा ठीक है आया ऑडिटर अब यहां पे ऑडिटर आके वी सी दैट ही और इस ऑडिटर का ये एग्जिस्टेंस देखने के लिए अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है आ गया वो मौजूद है वहां पे, अटेंडेंस सो so, अब जब ये मौजूद है यहां पे तो भैया ये क्या देखेगा वॉट विल ही सी क्या देखेगा वो देखना पड़ेगा ना उसको कुछ सो so, सबसे पहले वो क्या देखता है कि ये यहां पे है ना कौन है मैनेजमेंट है ठीक है कौन है बच्चों ये यहां पे मैनेजमेंट ठीक है और यहां पे ये मैनेजमेंट के एम्प्लॉज है मान के चलो ये यहां पे उनके एम्प्लॉइज है सही बात है एकदम यस सर सो अब हुआ क्या मैनेजमेंट ने इनको कुछ तो भी बोला क्या बोला जो बोला वो दिए उनको इंस्ट्रक्शंस बराबर और इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये लोग काम करेंगे मतलब ये होंगे उनके प्रोसीजर्स आई बात समझ में ये किसके लिए होगा इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स क्यों होगा गोल क्या है गोल क्या है तो वो कहते हैं कि बाबा का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है बराबर के नहीं तुम जब नोट्स में अपना स्टोर्स लेजर में बराबर से इश्यूज इनवर्ड क्लोजिंग बैलेंस बराबर से होना चाहिए सो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा पहले रिकॉर्डिंग के लिए बराबर और सेकंड आपको क्या करना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भैया मैनेजमेंट क्या बोलेगा हीरो एम्प्लॉय बराबर से रिकॉर्डिंग करना समय समय पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना हा ये कौन बोला मैनेजमेंट ने बोला किसको एम्प्लॉय को सो so उसको बोला बराबर से रिकॉर्ड करना बराबर से फिजिकल वेरिफिकेशन करना अब इसके बेसिस पे इस एम्प्लॉय ने काम करना शुरू कर दिया मतलब उसने उसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हु मैनेजमेंट जमीगाबाद बोलो आया ना हा फिर अब क्या होगा ये जब काम करेंगे रिकॉर्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन का फिर इसका फाइनली रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा मतलब क्या एक्चुअल क्या काम किया है उन्होंने एक जो बोला था क्या काम करना है और एक एक्चुअली काम करने के बाद क्या हुआ वो सही बात है एकदम बोलो आया ना यस yes. सो so, अब मेरे बच्चों क्या कह रहे अपन जरा ध्यान से सुनना यहां पे ये रिजल्ट बराबर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट बराबर ये सब काम बराबर से हुआ कि नहीं हुआ ऑडिटर आएगा और यही देखेगा मतलब ये पूरा पूरा जो एक्टिविटी है ना ये, ये पूरा पूरा एक्टिविटी ऑडिटर साहब क्या करेंगे इसको इवेल्युएट करेंगे क्या करेंगे इसको ऑडिटर विल इवेल्युएट दिस एंटायर टास्क इसको इवेल्युएट करेगा इसको क्या करेगा ऑडिटर वहां पे मौजूद के वो इस बात को इवेल्युएट करेगा आई बात समझ में यहां भावना क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन अभी तक एक्सप्लेन किया इवेल्युएट ध्यान देना इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन बराबर के नहीं एंड प्रोसीजर्स फॉर Recording एंड कंट्रोलिंग द results ऑफ द एंटिटीज फिजिकल verification और फिजिकल inventory काउंटिंग आई बात समझ में क्या करेगा जाके वो जमी बात यस नंबर टू फिर उसके बाद ये क्या करना है मेरे को इवेल्यूएट करना है अब दूसरा वहां जाके मुझे क्या करना है मतलब इवेल्युएट करना है मतलब अब समझे क्या कि ये जो है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट बराबर से किया क्या नहीं किया वो मुझे इवेल्युएट करना है वो मुझे इवेल्युएट करना है बराबर और फिर उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट भी क्या कहता है अभी आई हैव टू ऑब्जर्व दो काउंट प्रोसीजर्स तुम कैसे गिनते हो, वो भी जाके देखेगा मैं पहले जो आपका रिजल्ट आया वो तो देखूंगा ही देखूंगा समझ पा रहे आप जो रिजल्ट आया ना वो तो देखूंगा ही देखूंगा बट जो आपने काउंटिंग कैसे किया था वो भी देखूंगा आई बात समझ में यस फिर उसके बाद ये दोनों जो है ये ये किसके लिए हो गया? ये हो गया गया सर जी हमें एग्जिस्टेंस देखना था इसके लिए बराबर के नहीं फिर उसके बाद आगे जाके मैं क्या करूंगा इंस्पेक्ट करूंगा उस इन्वेंट्री को क्यों करूंगा इंस्पेक्ट इन्वेंट्री को क्योंकि मुझे इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस के साथ साथ मुझे क्या देखना है उस इन्वेंट्री का कंडीशन भी तो देखना है तो मैं उस इन्वेंट्री को चेक भी करेगा कि उसके अंदर इन्वेंट्री है क्या जैसे एक बार मैं कैडबेरी इंडिया लिमिटेड के गोडाउन का स्टॉक ऑडिट करने गया था अब कार्ट होते बॉक्सेस होते उसके अंदर चॉकलेट है या नहीं है वो थोड़ी दिखेगा आपको आप तो बॉक्सों से गिनोगे तो जब हमने उनको बोला बॉक्सेस भी खोलो तो कोई कोई बॉक्सेस में दिखा कि इन्वेंट्री मतलब दस अगर पीसेस होने चाहिए सिर्फ पांच है या किसमें खाली बॉक्सेस है सिर्फ सिर्फ पत्थर भरके रख दिए हुए बराबर कुछ भी हो सकता है सो so, हमको इंस्पेक्ट भी करना है कि वो इन्वेंट्री एक्चुअली है या नहीं है एंड फिर ये आप करोगे कैसे बेसिस पे बाय परफॉर्मिंग वॉट टेस्ट काउंट्स आई बात समझ में बोलो आया ना बोलो बच्चो यस yes? सो so, मुझे क्या देखना है सबसे पहले एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन वो देखने के लिए मुझे वहां जाना चाहिए जाके मैं क्या देखूंगा मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स वो बराबर है क्या नहीं है मैनेजमेंट किस तरीके से काउंटिंग करता है वो ऑब्जर्व करूंगा नंबर थ्री में खुद इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करूंगा अटेंड करके नंबर फोर में टेस्ट काउंट करूंगा सैंपलिंग बेसिस पे काम करूंगा आई बात समझ में येस yes, सर उसके बाद ऑल्सो आई विल परफॉर्म वॉट ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर एंटिटीज़ फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन इन्वेंट्री रिकॉर्डली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इनवेंट्री काउंट रिजल्ट मतलब किससे कंपेयर करूंगा उसको फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं अगर मैं आपको बताऊं सो so जो हम लोग फोकस कर रहे हैं ना ध्यान से देखना जैसे हम लोग एक अपन स्टोर्स का एक तरीका ये मेंटेन करते हैं खुल जा भाई ये जैसे हम लोग एक मेंटेन करते हैं ऐसा कुछ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि कितना इनवर्ड हुआ कितना आउटवर्ड हुआ बराबर और बैलेंस कितना बचा या तो यही आप लोग इसमें स्टोर्स लेजर में यही पढ़ते हैं ना आप लोग बोलते क्यों नहीं स्टोर लेजर में यही पढ़ते कितना रिसीट हुआ कितना इश्यू किया कितना बैलेंस बचा हुआ है सो so, ये आपका फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है बराबर ये रिकॉर्ड में लेके जाएगा बराबर और एक्चुअल में जहां पे इन्वेंट्री मौजूद है वहां पे उसके साथ में क्रॉस चेक करेगा बराबर कि जो तुम्हारे एक्चुअली रिकॉर्ड्स में है वो एक्चुअली वहां पे मौजूद है या नहीं सो बेसिकली व्हाट आई डू कंपेर द रिकॉर्डेड इन्वेंट्री विथ दी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री किसको किसके साथ कंपेयर करेगा रिकॉर्डेड इन्वेंट्री विथ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कि वो दोनों बराबर से मैच होते हैं या नहीं होते हैं सिंपल एकदम कहानी यस yes. आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है कदम आई बात समझ में सो so, मुझे जाना है चेक करना है काम खत्म करना है राइट right? ओके okay. बट फिर आप अगर देखोगे क्या लिखा हुआ है कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल तो इसको अभी तक कंसिडर किया ही नहीं ये जितने भी पॉइंट्स अपन ने ये और ये इतना देखा ना ये कब था ये पॉसिबल है तब बराबर कभी कभी आपको इम्प्रैक्टिकेबल है जा नहीं पाएगा इम्पॉसिबल नहीं लिखा इमप्रैक्टिकेबल है इम्पॉसिबल अलग है इम्प्रैक्टिकेबल अलग है बराबर के नहीं सो so, अब यहां पे क्या क्या है ध्यान से देखना इफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट उस थर्टी फर्स्ट मार्च पे यूजली अपन करते हैं लेटेस्ट से बट वो मुझे पॉसिबल नहीं है क्या लिखा हुआ है यहां पे? अब यहां पे ये सब जो काम मुझे करना है ना अटेंड करना है यूजली मुझे कब करना है एक तो आई डू इट ऑन वॉट जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो वर्ड यूज कर रहा हूं एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है थर्टी फर्स्ट ऑफ को चेक करते हैं बट अगर मान लो यह थर्टी फर्स्ट मार्च को चेक करना पॉसिबल नहीं है इम्प्रैक्टिकेबल है आप नहीं जा सकते बराबर सो so ऑब्वियसली आप क्या करेंगे ऑब्वियसली वी विल चेक एट क्या करेंगे हम लोग वी विल चेक इट एट एनी अदर डेट बिग डील सर कभी और देख लेंगे बराबर सो so, कभी और देख रहे हो तो कहानी एकदम सिंपल है आपको बस क्या करना है जो आपकी वो एनी अदर डेट है ठीक है ना आपकी वो एनी अदर डेट है बराबर और जो आपकी बैलेंस शीट की डेट है आपने बस क्या कर देना है उसको एनी अदर डेट और बैलेंस शीट डेट के बीच में जो भी इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन हुए थे उसको आप रिकंसल करके 31 मार्च का पोजीशन आप लेके आ जाओ सही बात है एकदम खलास औओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर शाल इन एडिशन टू द दबाउ प्रोसीजर्स Perform audit procedures to obtain audit evidence whether changes in the inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded. baat mm Bolo -hmm. Yes, very simple. So, apne kya highlight karna yape. Last line pura. ला count date and date of financial statements. Fir if the auditor is unable to attend. Physical inventory counting due to unforeseen circumstances। अकस्मात कुछ ऐसा घटनाएं घट गई कि आप 31 मार्च को अटेंड ही नहीं कर पाए बराबर के नहीं तो क्या करना होगा आपको आपको फिर से कोई दूसरी डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है इफ दी ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसिस The auditor shall make or observe some physical counts, ऑन एन अल्टरनेटिव डेट एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन आई बात समझ में आपको so ये आपको क्या करना है चेंजेस इन ये वाला पार्ट आपको देखना है बराबर और अगर अनफोर्स इन सरकम को तो आपको वापस से अल्टरनेटिव डेट पे चेक करना है उसको अब कहता है इफ द अटेंडेंस इज वॉट इम्प्रैक्टिकेबल जमेगा ही नहीं आपको जा ही नहीं सकते मान लो वो यूएस में भेज रहा नहीं क्लाइंट बराबर इम्प्रैक्टिकेबल है तो आपने क्या करना चाहिए यू शुड परफॉर्म वॉट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अगर ये इम है तो यू विल परफॉर्म वॉट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और अगर वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी पॉसिबल नहीं है तो आपको आपका ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव कौन सा देना है क्वालिफाइड है डिस्क्लेमर डिपेंड करेगा जब अपन आगे पढ़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होगा उसके हिसाब से राइट एंड वेन इन्वेंट्रीज अंडर द कस्टडी or द कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी बराबर सो ऑडिटर शुड appropriate ऑडिट एविडेंस बराबर अबाउट and एंड कंडीशन थर्ड पार्टी बाई रिक्वेस्टिंग requesting एंड परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन दी the स्टैंसेस सही है एकदम यस yes. तो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड था ये यहां पे सो so, जरा एक बार उसके ऊपर फोकस करते हैं अपन सेकेंड है ओके सो यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है ये क्या क्या ध्यान में रखेगा ये जनरल बातें लिखी हुई है यहाँ पे बराबर ये रेगुलर क्लासेस में भी बताया आपको इंटरमीडिएट के लिए बाकी आपने जो स्टैंडर्ड अभी आपने पढ़ा आप अगर देखोगे तो यही बातें हैं। ऑडिटर यहाँ पे अटेंड करेगा ऑब्जर्व करेगा कि क्या वो इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और जो रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग है तो उसके लिए बराबर से रिजल्ट आए या नहीं आए सो ऑडिटर उसमें क्या देखेगा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन और मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स बराबर है या नहीं है सो so उसमें वो क्या देखेगा बैलेंस शीट डेट पे जाएगा या दूसरे डेट पे जाएगा यही तो था उसके अंदर सब कुछ राइट right? चलिए इसको लिख लीजिए चलो लिखो अरे ऐसे गुरने का नहीं ऐसे मेरी तरफ लिखना पड़ेगा पिक नो पिक लिखो शॉर्टकट नहीं है वर्चुअल में जो भी देख रहे हैं वो भी लिखिए उसको लिखो उसको फटाफट चलो लिखो लिखो डन ओके सो यहां पे हम लोग ने कंप्लीट किया किसके बारे में सो so, आपको ये सिंपल सा चार्ट हो गया ना अपना क्या हो गया ये बैलेंस शीट डेट एनी अदर डेट थर्ड पार्टी के पास होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे ये बात अपनी हो गई इसके साथ वी कंप्लीट विथ कौन सा बच्चों ऐसे कौन सा कदम किया अपन ने वी कंप्लीटेड एस नंबर सॉरी एस नंबर 501 का फर्स्ट पार्ट अपन ने खत्म किया दैट इज लिटिगेशन सॉरी दैट इज इन्वेंट्री के बारे में बात खत्म कर ली एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे किसके बारे में सेकेंड पॉइंट जो होगा कौन सा अपना लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में राइट सो एकदम छोटा सा है ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स वेरी इंटरेस्टिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिगेशन एंड क्लेम मतलब क्या आप कोई डिस्प्यूट के अंदर हो आप कहा कोई डिस्प्यूट के अंदर हो किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया है बराबर तो आपके ऊपर किसी ने केस किया है आप जा रहे हो कोर्ट के अंदर कोर्ट कचेरी का, का मामला चालू है फाइटिंग चालू है सो so, उसे कहेंगे अपन लिटिगेशन लिटिगेशन मतलब हम लोग क्या कहेंगे देर इज वॉट डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट के वजह से आपको कितना हरजाना भुगतना पड़ता है बराबर जो कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा बराबर उसको अपन क्या कहते हैं क्लेम बराबर सो क्लेम रेफर्स टू वॉट ओवर सो कोई कोई भी कोई भी लिटिगेशन या क्लेम जिसके अंदर आपको लगता है क्या कि अपनी एंटिटी इन्वॉल्व है कोई भी लिटिगेशन और क्लेम के अंदर तो उसके बारे में हम लोग को चेक करना है कि वो लिटिगेशंस और उससे रिलेटेड क्लेम्स वो आपने कंप्लीटली दिखाए है या नहीं इसके लिए अपने को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी आई बात समझ में एकदम सिंपल है राइट सो आओ पढ़ते हैं द ऑडिटरशल डिजाइन एंड परफॉर्म एकदम सिंपल रीडिंग करना है इसको ध्यान से बहुत सिंपल स्टैंडर्ड द ऑडिटरशल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग एंटिटी विच मेंटेरियल कुछ गलत हो सकता है करके सही बात है ना कोई भी लिटिगेशन एंड क्लेम आपने पूरी तरीके से डिस्कलोज नहीं किया हुआ होगा बराबर कुछ क्लेम होगा वो आपने डिस्कलोज नहीं किया हुआ होगा बराबर वो क्लेम है या नहीं आपको पता ही नहीं होगा सो so, आपको ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है कि कोई भी लिटिगेशन एंड क्लेम बराबर जिसमें आपकी एंटिटी इन्वॉल्व है बराबर अगर उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है योर जॉब इज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई देखिए पहले आपको क्या करना होगा आइडेंटिफाई करना होगा ऑडिट प्रोसीजर में फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनना डायरेक्टली ये मत करने जाना कि ओ भैया वो कंप्लीट है क्या नहीं है बताओ पूरी तरीके से उसको डिस्क्लोज किया है क्या नहीं अरे बच्चा पहले आपने क्या करना है ढूंढना है कि ऐसा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या कि वो भैया कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होगा दैट इज अ रिस्क आई बात समझ में सो so पहले आपका फोकस कहां पे होना चाहिए उस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स आपने उसे आइडेंटिफाई करना है तो सर मैं इसे आइडेंटिफाई कैसे करूं आप बताओ सर हाउ डू आई आइडेंटिफाई इट वेरी सिंपल पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो है क्या मिनिट बुक्स पढ़ो टीसीडब्ल्यूजी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के हिसाब से बराबर उसके बाद आपका लीगल एक्सपेंस अकाउंट भी आप देखिए बात समझना एकदम मस्त लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है पहले आप क्या करो इंक्वायरी करो मैनेजमेंट के साथ कि वा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या मैनेजमेंट से पूछो नंबर टू मिनिट बुक्स देखो

अपन मिनिट्स बुक देखेंगे और तीसरा लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे यह पूरा चेक करने के बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे और फिर कहेंगे सेकंड पॉइंट में यहां पर लिटिगेशन या क्लेम है या नहीं है आपको पता चल जाएगा कहानी आगे कब बढ़ेगी अगर लिटिगेशन एंड क्लेम इफ इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बराबर के नहीं और उसके अंदर इफ एनी ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट दैट अदर मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स एग्जिस्ट बराबर के नहीं सो द ऑडिटर इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय अदर एसेस एक्सटर्नल कंफर्मेशन बराबर या जो भी जो भी करना है उसको ही विल डू वॉट अभी अपना काम शुरू होता है अगर मिल गया ना तो क्या क्या करना है चलो फटाफट -पड़ निपटा दे इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एक्सटर्नल लॉयर से डायरेक्टली पूछने का भैया क्या मैटर है बताओ एविडेंस दो इंफॉर्मेशन दो कितना लाइबिलिटी आएगा हमारा हमको रिकॉर्ड करना है इन्होंने जितना दिखाया वो बराबर है या नहीं है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ये कैसे करेगा इट विल बी डन थ्रू वॉट लेटर ऑफ इंक्वायरी खत लिखेंगे बराबर एंड रिक्वेस्ट दी एंटिटी दे नीड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विदर्नल लीगल काउंसिल बट आप क्या होता है कभी कभी कुछ कानून होते हैं जो ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को डायरेक्टली आपसे बातचीत करने नहीं देंगे बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आप तो डायरेक्टली आपकी तो इच्छा है उनसे बात करें बट बार काउंसिल बराबर जो लॉयर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनमें भी उन्हें कॉन्फ़िडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं मेंटेन करना पड़ेगा लॉयर थोड़ी ना सबको जाके बोल देगा क्या मैटर है अपना सही में नुकसान होगा नहीं होगा थोड़ी ना ओपनली बोल देगा ऑडिटर को और ऑडिटर सीधा डिस्कस करेगा प्रॉब्लम होएगा ना तो दे आर मे बी द लॉ इज प्रोहिबिटिंग द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू डू वॉट टू गिव द डिटेल्स अबाउट द केस सो इस केस में अगर उनका लॉ उनकी प्रोफेशनल बॉडी अगर प्रोहिबिट करता है सो ऑडिटर साहब ने क्या करना है अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू गिव द ऑडिटर परमिशन टू कम्युनिकेट बराबर तो क्या करना चाहिए द ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी और इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग एंड इफ ऑडिटर इज अनेबल ई विल सी क्वॉट टू मॉडिफाई हिज ऑडिट ओपिनियन सिंपल सी बात है कौन सा ये वाला ना हा समझाता हूं एक थीम समझ में आया क्या बराबर सो so, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना अभी है अभी right? राइट इसका भी अपन समरी बनाएंगे एकदम अच्छे से सो वी आर टॉकिंग अबाउट एस ए नंबर फाइव जीरो वन बराबर इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट वॉट िटिगेशन एंड क्लेम्स सो लिटिगेशन एंड क्लेम्स में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा वी नीड टू आइडेंटिफाई पहले सुनना फिर लिखना वी नीड टू डू वॉट फर्स्ट आइडेंटिफाई कि वो लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर वन हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे नंबर टू वी विल चेक व्हाट, द मिनट बुक्स बराबर के नहीं नंबर थ्री हम लोग रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को किसको देखेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को सिंपल एकदम कहानी यस सर फिर यहां से दो बातें होगी एक तो आपको मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा बराबर के नहीं सो so, अगर आपको मिला लिटिगेशन एंड क्लेम जिसमें आपको लगता है मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट सो व्हाट यू विल डू यू विल सीक टू कम्युनिकेट विथ The external legal काउंसिल सही बात है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा और आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे थ्रू व्हाट? लेटर ऑफ इंक्वायरी यहां पे फिर से दो बातें होगी एक तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे बराबर क्यों नहीं कर पाओगे बिकॉज लॉ और उनका जो प्रोफेशनल बॉडी है उनका जो लॉ या प्रोफेशनल बॉडी है ये क्या करता है प्रोहिबिट करता है टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द आउटसाइडर्स तो इस केस में ऑडिटर साहब क्या करेंगे ऑडिटर साहब परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ठीक है बोलो यस और नो अगर वो कर पाया तो वेरी गुड कोई टेंशन नहीं है बोलो यस और नो यस उसके बाद अब यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू गिव ऑडिटर परमिशन उनका लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है बट आपको ये जो करना है कैसे करना है आपको विथ मैनेजमेंट्स परमिशन मैनेजमेंट परमिशन। ऐसा डायरेक्टली आप किसी भी लीगल काउंसिल थर्ड पार्टी को जाके बात नहीं कर सकते मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा सो so यहां पे फिर से दो बातें होगी एक तो मैनेजमेंट परमिशन देगा या तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं देगा अगर मैनेजमेंट ने परमिशन आपको नहीं दिया तो कहानी आगे है यहां पे इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज इज टू गिव दर परमिशन टू कम्युनिकेट और टू मीट विदिटीनल लीगल काउंसिल और दीगल काउंसिल रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली क्या हो रहा है यहां पर एक तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया या तो लीगल काउंसिल ही मना करता है किसको ये लेटर ऑफ इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करने में उसके ऊपर रिप्लाई देने के लिए बराबर के नहीं तो ऑडिटर क्या करेगा इसके बेसिस पे ऑडिटर इज वॉट देन अनेबल टू ऑप्टेन विथ मैनेजमेंट परमिशन सो अनेबल ऑडिटर इज अनेबल टू ऑप्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मतलब एक तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रहा है या तो वो एक्सटर्नल काउंसिल ही रिप्लाई नहीं कर रहा है बॉस बराबर तो इस केस में ऑडिटर को एविडेंस अगर मिलता नहीं है तो वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा एज पर एस ए सेवन जीरो फाइव सिंपल ये बात थी उसके अंदर उसके बाद सारे क्लेम्स डिस्क्लोज करे है या नहीं करे है ऑडिटर ने क्या लेना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है राइट right? पढ़ लीजिए एक बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट फिर वो जो चार्ट समरी बनाया वो आप लिख लेना फिर हा द ऑ ऑ ऑडिटर शल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट वेयर अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम्स हुईज इफेक्ट ऑन प्रिपेरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंसिडर है मैनेजमेंट ने अगर गलत लिख के दिया तो फिर हम लोग ऐसे फाइव हंड्रेड में जाएंगे

ये वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा तो वी विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स और अकॉर्डिंगली वी विल मॉडिफाई प्रोसीजर्स देन आई बा तो ऐसे फाइव हंड्रेड को छोड़ने देना है है ना इसको पकड़ के रखना है ओके पढ़ लिया एकदम अच्छे से लिख लो इसको डन चलिए सो अब लास्ट पॉइंट अपना सेगमेंट इंफॉर्मेशन सेगमेंट इंफॉर्मेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कोई भी बिजनेस ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर इन टू वॉट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ठीक है ना सेगमेंट्स का मतलब हम लोग लिखेंगे सिंपल भाषा में एरियाज ठीक है जैसे आप अगर देखोगे एक सिंपल कोई भी कंपनी अगर आप देख लो जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट पार्ले पार्ले एग्रो ये पार्ले किसके किसके अंदर है सो सर ये पार्ले बिस्किट्स बनाता है सही है ना ये पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाता है बराबर है? सर ये पार्ले चॉकलेट्स बनाता है बराबर के नहीं कितनी सारी चीजें ये पार्ले बनाता है बराबर है बच्चों, बोलो हाँ या ना यस सो so, अब यहां पे आप समझो कि ये इस पार्ले पार्ले मतलब कौन भैया पार्ले एग्रो पार्ले जी वगैरह खाते ना हा सो so, ये जो है ये इनके अलग अलग सेगमेंट्स हो गए तो यहां पे एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 17 उन्हें क्या करना है कौन से कौन से सेगमेंट्स में आप बिजनेस करते हो उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन जमी क्या बात बोलो आया ना यस सो इसीलिए ऑडिटर शुड ऑप्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द प्रेजेंटेशन एंड डिस्कलोजर हैज बीन डन प्रॉपरली और नॉट तो बस क्या करना है अपने को सिंपल सी बात है यू ऑप्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड यूज मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन कैसे आपने वो आपनेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया एंड इवेल्युएट वेदर सच मेथड आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्कलोजर इन अकॉर्डेंस प्रॉपर डिस्कलोजर हो रहा है क्या नहीं हो रहा एंड टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स एंड ऑल्सो परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे ऐसे 520 के अंदर ठीक है so ये बात ही कि कौन से मेथड्स के थ्रू आपने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया बराबर कि क्या आप किसको अलग सेगमेंट मानते हो नहीं मानते हो डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया क्या है उसका बराबर तो उसके बेसिस पे आपने उन मेथड्स को टेस्ट करना है टू फाइंड आउट आपको भी वही वही अलग अलग सेगमेंट्स मिलते हैं या नहीं एंड देन यू डू वॉट एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अब ये ये है तो वैसा वैसा सेगमेंट आपकी ये बिजनेस है तो वो वो सेगमेंट्स होने चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऐसे 520 में तो सिंपल सी बात है एकदम सो विद दिस वी कंप्लीट विथ वॉट एसे नंबर फाइव जीरो वन